मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। थाने के कल्याण में क्राइम ब्रांच यूनिट 3 ने गुटखा बनाने वाले कारखाने पर कार्रवाई करते हुए 7 लाख रुपए का गुटखा जब्त किया है। पुलिस ने मौके से गुटखा बनाने वाली 2 मशीनें भी बरामद की हैं। हैरानी की बात यह है कि कल्याण से सटे हाजी मलंग स्थित कुशवली गांव में अवैध तरीके से गुटखा बनाकर बाजार में बेचाता था। इस मामले में जानकारी देते हुए क्राइम ब्रांच DCP शिवराज पाटिल ने बताया है कि क्राइम ब्रांच के इंचार्ज नरेश पवार और उनकी टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर बदलापुर कटाई रोड पर जाल बिछाकर गुटखे से भरे एक 4 पहिया वाहन को जब्त कर 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है। पूछताछ करने के बाद आरोपियों ने बताया कि हाजी मलंग के पास कुशवली गांव में प्रतिबंधित गुटखा तैयार किया जाता है। इस जानकारी के आधार पर क्राइम ब्रांच यूनिट 3 की टीम ने कुशवली गांव में गुटखे के कारखाने पर छापा मारा। पुलिस के मुताबिक कारखाने में राजनिवास कंपनी का गुटखा तैयार कर बाजार में बेचा जाता था। कार्रवाई में पुलिस ने 7 लाख का गुटखा, 2 मशीनें और 1 4-पहिया वाहन को मिलाकर कुल 10 लाख का मुद्देमाल जब्त किया है। वहीं पकड़े गए आरोपियों के नाम है विराज अलिमकार, मोहम्मद उमर अब्दुल रहमान और मोहम्मद तारिक अली कादर खान बताया जा रहा है। अधिकारी ने बताया है कि मुख्य आरोपी विराज अलिमकार है, जबकि अन्य 2 कारखाने में कामगार के तौर पर काम करते थे। कुशवली गांव में जिस व्यक्ति ने इन गुटखा माफियाओं को कारखाने के लिए जमीन दी थी उस पर भी कार्रवाई की जाएगी, ऐसी जानकारी DCP शिवराज पाटिल ने दी है। वही क्राइम ब्रांच की इस कार्रवाई से कल्याण के गुटखा माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ जानकारी दी गई है आपको सुनाते हैं। अमली पदार्थ विरोधी जो कार्रवाई थाना पुलिस आयुक्तालय में चल रही है, पुलिस आयुक्त आशुतोष डुमरे सर ने आदेशित किया गया है कि उन्होंने आदेशित किया है कि अमली पदार्थ बिक्री या कोई साटा हो उसके खिलाफ कार्रवाई करनी है। उसके हिसाब से यूनिट 3 भी काम कर रही थी। इसके दौरान वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक यूनिट 3 क्राइम ब्रांच नरेश पवार और उनकी टीम को इन्फॉर्मेशन मिली कि एक बदलापुर रोड से गुटखा का ट्रांसपोर्ट करने वाली गाड़ी व्हीकल आ रही है, तो उन्होंने ट्रैप आयोजित किया। उसमें सीनियर PI नरेश पवार, PI मस्के, API उगल मुगले, PSI माली, ये सब पूरी टीम इसमें और बाकी के भी पूरी टीम थी और उसमें लगभग 7 लाख का गुटखा पकड़ा गया और 3 आरोपी उसमें अरेस्ट किए गए। तहकीकात के दौरान ऐसा पता चला कि ये गुटखा कहाँ से लाया गया, इसकी इंक्वायरी चल रही थी। तो ये हाजी मलंग रोड पे कुशवली गांव है वहाँ पे वो तैयार कर रहे थे, ऐसी मालूम मिली। उसके हिसाब से सीनियर पे और उनके टीम ने वहाँ पे रेड की। रेड के दौरान 2 मशीनें वहाँ पे पाई गई और बहुत सारा माल और वहाँ पे जो कच्चा माल जो लगता है तैयार करने के लिए वो भी पाया गया, जो सुपारी केमिकल वगैरह उसमें पाया गया। तो कुल मिला के 17 लाख का मुद्देमाल यहाँ पे पकड़ा गया है और 3 आरोपी अभी तक अरेस्ट हुए हैं। 2 आरोपी इसमें और निष्पन्न है, उसको अरेस्ट करना बाकी है। और जो 3 आरोपी है पकड़े गए उसमें विराज आलिमकर, मोहम्मद उमर अब्दुल रहमान और मोहम्मद तारिक अली कादर खान, ये आरोपी है। इसमें पहला जो विराज आलिमकर है वो चलाता था ये सब, और बाकी के 2 है वो उसमें लेबर काम कर रहे थे कारागिर करके, और बाकी के 2 आरोपी इसमें अरेस्ट होने बाकी है। इसमें जो जगह प्रोवाइड की गई, जो शेड प्रोवाइड किया गया वो भी इसमें आरोपी अभी तक बाकी है। और ये जो कच्चा माल जो है कहाँ से आया इसका भी इन्फॉर्मेशन सूरत से आया है और किसने प्रोवाइड किया है ये भी मालूम करके वो भी उनको भी आरोपी किया जाएगा। तो बहुत ही अच्छी कामगिरी यहाँ पे यूनिट 3 कल्याण क्राइम ब्रांच ने की है। आगे की जो कोई आरोपी अरेस्ट होगा और आगे की इन्फॉर्मेशन आपको शेयर की जाएगी। ये जो अभी इसमें जो पाया गया है वो राजनिवास नाम का जो गुटखा है वो यहाँ पे बनाते थे, तो वो गुटखा यहाँ पे पाया गया है।